नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ अरनुम जहां शेख। बोलेंगे शुरुआत बड़ी खबर से। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सीएचए का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर, तो लगातार राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिवालय पहुंचा सीएचए का डेलीगेशन, सीएचए का डेलीगेशन जो है वो सचिवालय पहुंच चुका है। कुलदीप राका से मुलाकात करेगा ये डेलीगेशन, और बेहद खास ये मुलाकात मानी जा रही है। लंबे समय से शहीद स्मारक पर चल रहा था धरना, और ऐसे में जिस तरीके से मांगों को लेकर प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया है, और ऐसे में आपको बता दें कि ये मुलाकात जो है बेहद खास है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी था। अपने विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना जो है वो दिया जा रहा था। तो सचिवालय पहुंचा है सीएचए डेलीगेशन, और यहाँ पर सरकार से बातचीत होगी। कुलदीप राका से मुलाकात करेगा डेलीगेशन, और ये मुलाकात बेहद खास है। लंबे समय से शहीद स्मारक पर चल रहा है धरना, और जिस तरीके से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है यहाँ पर बातचीत की जाएगी, और अब देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत में बात बन पाती है या नहीं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जिस तरीके से शहीद स्मारक पर काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी है, और सीएचए का जो डेलीगेशन है वो सचिवालय पहुंच चुका है। कुलदीप राका से ये मुलाकात होगी, डेलीगेशन जो है कुलदीप राका से मुलाकात करने पहुंची है। लंबे समय से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर जो है ये धरना दिया जा रहा है। तो मांगों को लेकर प्रशासन से वार्ता करेगा ये डेलीगेशन, और वार्ता में क्या कुछ रहने वाला है ये देखने की बात होगी। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, तो बेहद खास ये मुलाकात मानी जा रही है। बात बन पाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो सचिवालय पहुंच चुका है सीएचए डेलीगेशन, तो कुलदीप राका से मुलाकात करेगा ये डेलीगेशन, और कुलदीप राका से ये जो मुलाकात है बेहद खास है, क्योंकि इस दरमियान जो है अपनी मांगों को यहां पर पेश किया जाएगा। सहयोगी बसंत फोनोलाइन पर जुड़ चुके हैं। बसंत, डेलीगेशन सीएचए पहुंच चुका है, सचिवालय पहुंच चुका है डेलीगेशन, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो सरकार से गुहार लगाने में लगे हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी गुहार लगा रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको ज्ञापन भी दिया जा रहा है, और लंबे समय से जो है शहीद स्मारक पर धरना भी दे रहे हैं। दरअसल ये कोविड स्वास्थ्य सहायक थे, इनको कोरोना काल में जो है सरकार चिकित्सा विभाग की ओर से लगाया गया था, लेकिन राजस्थान में कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद इन 28,000 जो स्वास्थ्य सहायक है इनको हटा दिया गया। इसके बाद स्वास्थ्य सहायक दिल्ली भी पहुंचे थे, दिल्ली में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी ओर से आश्वासन भी दिया गया था। फिर उदयपुर में चिंतन शिविर में भी कूच की थी, वहां पे भी इनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन मांगों पर किसी तरह का अमल न होने के कारण जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया है। सचिवालय में जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा है, प्रशासनिक अधिकारी कुलदीप राका के साथ मुलाकात होगी। हालांकि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनका कहना है हमें संविदा पर नौकरी पर रखा जाए, और नौकरी की मांग ही इनकी ओर से की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, पहले भी जो 2 से 3 बार वार्ता हुई थी वो विफल हो गई थी, आज भी वार्ता के लिए बुलाया है। अगर सहमति बनती है तो जो प्रदेश के जो 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनकी ओर से धरना समाप्त कर दिया जाएगा। अगर वार्ता पर सहमति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर उग्र आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए कोविड स्वास्थ्य सहायक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जी बसंत, ऐसे में डेलीगेशन में कितने लोग मौजूद है, और क्या लगता है आज बात बन पाएगी या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि लगातार सरकार भी चाह रही है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना समाप्त हो, क्योंकि आज भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से पूरे प्रदेश भर के विधायकों मंत्रियों के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया था और मांग की जा रही थी। आज जो पीसीसी में मंत्री दरबार लगा था वहां भी जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचा था, और जो मंत्री है उनसे गुहार लगाई थी कि हमारी जायज मांग है, एक हमें योद्धा की ओर का योद्धा का दर्जा दिया गया था कोरोना काल में, और अब योद्धा ही जो है अपनी मांगों को लेकर अपने रोजगार के लेकर भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हुए हैं, तो इनकी सुने। और मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले, और मुख्यमंत्री क्योंकि सूबे के गांधी भी कहा जाता है, सूबे के मुखिया भी है मुख्यमंत्री, तो उनसे भी गुहार लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द जो 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है इनको संविदा पर नौकरी दे। आज जो है बैठक एक बार फिर बुलाई गई है प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पर, माना जा सकता है कि आज कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जी ठीक बसंत, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।